आज हम बना रहे हैं लीची फिरनी। इसके लिए मैंने एक पैन लिया, पैन में 6 बादाम मैंने चॉप किए हुए हैं, ये 10-12 पिस्ताचू, एक छोटी चम्मच खरबूजे की गिरी, 8-10 काजू और ये 15-20 चिरौंजी के दाने। इसको मैं अब रोस्ट कर लेता हूं। ये हमारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो गए हैं। इसमें मैं अब 350 ml दूध डाल देता हूं। ये स्वीटेंड मिल्क है हमारे पास, जो इसको उबाला था मैंने तभी एक कटोरी चीनी डाल दी थी, और ये डाला मैंने राइस फ्लोर, 1 teaspoon राइस फ्लोर डाल दिया, और इसको हम अब कुक करेंगे। अच्छा, एक बॉईल आ गया है। अब मैं इसमें डालता हूँ 1 teaspoon हरी इलायची का पाउडर। ये मेरे पास पकी हुई लीची है, इनको मैं डिसीड कर ये लीची डीसीड हो गई है। अब मैं इसमें मिला देता हूं 1 cup मिल्कमेड। इसमें डाल देता हूं मैं 1 cup दरदरा पीसी हुई लीची। ये लीची मिला दी मैंने, अब इसको हम कुक कर लेंगे गाढ़ा होने तक। लीची फिरनी बहुत जल्दी बनती है। इसको हम कंटिन्यूस स्टिर करते रहेंगे। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो दूध फटने का डर रहता है। इसमें बॉईल आ गया है और हमारी लीची फिरनी तैयार हो गई है। अब मैं इसकी फ्लेम बंद कर देता हूं और ठंडा होने के लिए रख देता हूं। इसको हम ठंडा सर्व करेंगे। इसको मैं अब गार्निश करूंगा पिस्ताचू से।